सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इमेज के पीछे का बैकग्राउंड कैसे बदलते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां हमारे पास ये इमेज है। अब अगर इसके पीछे का बैकग्राउंड हमें हटाना, तो सबसे पहले हमें इस इमेज को सेलेक्ट करना होगा। तो देखिए, आपको चारों तरफ छोटे छोटे सर्कल दिखाई पड़ रहे हैं, इसका मतलब ये इमेज सेलेक्ट हो गई। अच्छा, सिलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? सिलेक्शन के बाद हमको एक नया टैब मिलता है ऊपर, फॉर्मेट टैब। ठीक है, अगर सिलेक्शन आप हटा देंगे तो ये फॉर्मेट टैब यहां पे नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो सेलेक्ट करने के बाद हमको मिलता है फॉर्मेट टैब। हमने फॉर्मेट टैब पे क्लिक कर दिया तो नीचे देखिए हमको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। हमको चलना है लेफ्ट साइड में और यहां देखिए हमें ऑप्शन मिलता है रिमूव बैकग्राउंड का, यानी बैकग्राउंड रिमूवर का ऑप्शन मिलता है। इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा पिंकिश टाइप का एरिया जितना है ये इतना हट रहा है, मतलब इस एरिया को ये हटा दे रहा है। तो आप देख रहे हैं इसमें हैंड भी आ गया, हेयर का कुछ हिस्सा आ गया। तो इसको ठीक करने के लिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमको मिलता है मार्क एरियाज टू कीप। ठीक है, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये एरिया भी है मार्क एरियाज टू रिमूव। अच्छा, मार्क एरियाज टू कीप का मतलब है कि उस एरिया को मार्क कर दीजिए जिसको आप रखना चाहते हैं, और मार्क एरियाज टू रिमूव का मतलब है कि उस एरिया को मार्क कर दीजिए जिसको आप नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें क्योंकि रखना है एरिया तो हम इस वाले पे क्लिक करेंगे, मार्क एरियाज टू कीप। जब आपने क्लिक किया तो ये देखिए पेन जैसा साइन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। अब ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि अगर हमें हेयर का हिस्सा रखना है तो देखिए हमने इसको यहाँ से यहाँ तक पेन ऐसे चला दी उस हिस्से पे जिस हिस्से पे हमें रखना है। कोई जरूरी नहीं है एकदम परफेक्ट चलाना, बस उस हिस्से पे चला दीजिए और ये अपने आप ही उसको गेस कर लेगा। ठीक है, ये देखिए हमने चला दिया तो इतना हिस्सा इसने हटा दिया। अभी भी कुछ हिस्सा रहेगा तो फिर से चला देते हैं। ये देखिए यहां तक इसने ठीक कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे अपने ये हैंड पर। ठीक है, अब हैंड को हम यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर देते हैं तो देखिए इतना हिस्सा इसने रख दिया। तो इस तरह से आप सही करते जाइए जब तक आपका मतलब पूरा एरिया जो आप रखना चाहते हैं वो आ नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि ये बहुत परफेक्ट नहीं होता है, थोड़ा इसको हमें मतलब ठीक करना होता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये एरिया जो है मतलब इसने मैक्सिमम एरिया जो हमें चाहिए वो रख दिया है। ठीक है, इसको भी ठीक कर देते हैं। हेयर का फिर से देखिए आ गया प्रॉब्लम थोड़ा सा, तो इसको फिर से हम ठीक कर देते हैं यहाँ से यहाँ पर। ये देखिए अब यहाँ का ये एरिया हमने ठीक कर दिया। तो इस तरह से आपको जो है वो एरिया ठीक करना होगा जो एरिया आप रखना चाहते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक हमने पूरा इसको ठीक कर दिया। अब यहाँ पर देखिए कीप चेंजेस पे हमें क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कीप चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए जिस हिस्से को हमने मतलब जिस हिस्से पे वो पिंकिश टाइप का कलर था वो हट गया है और हमारी फोटो भी यहाँ पर आ गई है, पीछे कोई बैकग्राउंड आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब देखिएगा हमें बैकग्राउंड बदलना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस इमेज को हमें दोबारा से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हमें फिर से फॉर्मेट टैब पे जाना है। ये देखिए फॉर्मेट टैब यहाँ पे दिख रहा है। फॉर्मेट टैब पर राइट साइड में हमको ऑप्शन मिलता है रैप टेक्स्ट का। ठीक है, ये देखिए रैप टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, इसके ड्रॉपडाउन पर क्लिक करिए और यहाँ से हम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, इस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि क्या कहते हैं विंडो सॉरी ये इमेज को बैकवर्ड से फॉरवर्ड लाने में आसानी होती है। अभी जब आगे यूज करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने ऑप्शन ले लिया। अब उसके बाद हमको जाना है इंसर्ट टैब पे। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको इंसर्ट टैब मिलता है, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से हम जाएंगे शेप्स पे। तो ड्रॉपडाउन पे शेप्स के ड्रॉपडाउन पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे शेप्स हैं। अब जिस शेप में आप अपनी इमेज को रखना चाहते हैं, यानी कि जिस शेप में आप बैकग्राउंड चाहते हैं बदलना, उस शेप को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। मान लीजिए कि ये रेक्टेंगल हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इस इमेज के चारों ओर हम एक मतलब एक शेप क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो साइज के हिसाब से जो भी आप रखना चाहते हैं वो शेप आप यहाँ पे ऐसे क्रिएट कर दीजिए। अभी आप देख रहे हैं यहाँ कलर ये ब्लू है, अब इस कलर को हम चेंज करेंगे। तो इस शेप को सेलेक्ट रहने दीजिए और वापस से जाइए फॉर्मेट टैब पे। ये देखिए फॉर्मेट टैब, फॉर्मेट टैब में यहाँ देखिए शेप फिल का ऑप्शन है। ठीक है, ड्रॉपडाउन पर क्लिक करिए और अपना मन चाह कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि रेड कलर हम यहाँ पे देखिए हमने सेलेक्ट कर लिया, तो रेड पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि ये पूरा एरिया जो है रेड हो गया। अब इसको वापस से सेलेक्ट रहने दीजिए और फिर से जाइए फॉर्मेट टैब पर। ठीक है, और यहाँ पर इस बार हमको जाना है राइट साइड में सेंड बैकवर्ड पे। ठीक है, ये देखिए सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, बस इस पर क्लिक करते ही आप देखेंगे जो पीछे की इमेज थी वो आगे आ गई और जो बैकग्राउंड है वो बदल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इमेज के पीछे का बैकग्राउंड बदल सकते हैं।